सो हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आवर चैनल विद्यान पाठशाला जहाँ पे आपको मिलता है क्लास सिक्स टू ट्वेल्व की फ्री एन सी आर टी की ऑल क्लासेस एंड हियर आई एम पायल योर मैथ्स एडुकेटर एंड टुडे आवर टॉपिक इज जो कि है लीनियर इक्वेशंस की एक्सरसाइज पोर्शन 2.4 जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि टू एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज टू ये सब मैं करवा चुकी हूँ तो ये जो एक्सरसाइज पोर्शन है इसमें सिर्फ uh, इस एक्सरसाइज में टेन मैथ्स है ओके सो इसमें फाइव मैथ्स आज हम लोग करेंगे क्योंकि आराम आराम से समझेंगे तो थोड़ा धीरे से करेंगे ओके okay? एंड जो रेस्ट फाइव मैथ्स रहेगा वो मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी ओके सो कम टू फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो देन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो तो आपके लिए इजी हो जाएगा सॉल्व करना ओके सो अमीना थिंग्स ऑफ ए नंबर एंड सब्ट ने एक नंबर सोचा उससे वो फाइव बाई टू माइनस करती है नंबर अब जो हम लोगों को पूछा गया है उसी को हम लोग लेट कर लेते हैं ओके सो वाट इज द नंबर सो लेट कर लेते हैं की लेट दंबर बी एक्स ओके अब ये जो नंबर है एक्स ये अमीना ने सोचा था ओके okay? तो अमीना ये एक्स जो नंबर ये उसने सोचा था तो एक्स से वो क्या करती है फाइव बाई टू को सब्ट्रैक्ट करती है ओके सो एक्स माइनस फाइव बाई टू सो फिर से मैथ्स पढ़ो कि अमीना थिंग्स ऑफ ए नंबर जो कि है एक्स एंड उससे वो सब्ट्रैक्ट करती है फाइव बाई टू ओके एंड देन जो रिजल्ट आता है उसको वो क्या करती है मल्टीप्लाई करती है बाई एट ओके सो इससे एक से फाइव माइनस फाइव बाई टू माइनस करके जो होगा उससे वो एट मल्टीप्लाई कर देती है अब एट मल्टीप्लाई करने के बाद द रिजल्ट नाउ ऑप्टेड इज थ्री टाइम्स अब जो रिजल्ट मिलेगा उसको वो क्या है वो है आपका थ्री टाइम्स द सेम नंबर सी थॉट ऑफ उसने जो नंबर सोचा था उससे तीन गुना ज़्यादा है मतलब कि थ्री टाइम्स थ्री इन टू वो कौन से नंबर सोचा उसने कौन सा नंबर सोचा था एक्स सो ये हो गया थ्री एक्स ओके सो देखो ये कैसे सॉल्व करोगे तो ये आपका हो गया इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी याद है ना तो एट से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा एट एक्स माइनस फाइव बाई टू इंटू एट अगर आप करते हो ऐसे कि देखो फाइव बाई टू इंटू एट ऑफ करते हो तो ये हो जाता है फाइव फोर 20. ट्वेंटी ओके एंड थ्री इंटू एक्स मतलब कि माइनस थ्री एक्स क्योंकि ट्रांसपोजिंग हमने यहाँ पे अप्लाई किया सो थ्री एक्स जब लेफ्ट साइड में आ रहा है तो वो माइनस हो जाएगा एंड माइनस ट्वेंटी जब राइट right साइड में जाएगा तो वो प्लस ट्वेंटी हो जाएगा ओके okay? So then 8x minus 3x which is 5x is equals to 20 and then x is equals to 20 by 5 which is 4. तो आया समझ में तो देखो अमीना ने जो उसने जो नंबर सोचा था वो था x ओके तो आप इसको पुट करके देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में तो आपका ये इक्वल आएगा ओके, सो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ जो कि है आपका एक पॉजिटिव नंबर इज फाइव टाइम्स अनादर नंबर इफ ट्वेंटी वन इज एडेड टू बोथ दी नंबर्स देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर सो व्हाट आर द नंबर्स? अब एक नंबर को लेट कर लो सो लेट वन नंबर बी एक्स ओके सो एक नंबर क्या है फाइव टाइम्स है अनादर नंबर से सो दनादर नंबर कितना होगा फाइव टाइम्स बोला गया है. मतलब कि फाइव इंटू एक्स सो विच इज फाइव एक्स ओके सो इफ ट्वेंटी वन इज एडेड टू बोथ दंबर्स पहले तो बोला गया है कि अगर आप ट्वेंटी वन एड करते हो दोनों नंबर से

ये नंबर जो होगा इसका ट्वाइस हो जाएगा ओके अब देखो अब आप लोग पूछोगे कि मैम ये ट्वाइस तो हम लोग फाइव एक्स प्लस ट्वेंटी भी मल्टीप्लाई कर सकते थे लेकिन मानो एक साइड में नंबर टू है और दूसरे साइड में फोर है ओके तो आपको बोला गया कि एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से ट्वाइस ज्यादा है मतलब कि फोर जो है वो टू को जो अब आप ट्वाइस करते हो मतलब टू इन टू टू तब तो फोर होता है है ना तो इसका मतलब ये है कि जो बड़ा नंबर है वो छोटे वाले जो नंबर है उससे ट्वाइस ज्यादा होगा अब इसमें बड़ा छोटा आपको कैसे समझ में आएगा क्योंकि देखो इसमें एक्स प्लस ट्वेंटी वन है और इसमें फाइव एक्स प्लस ट्वेंटी वन आप x का वैल्यू जितना भी ले लो ये फाइव एक्स प्लस ट्वेंटी वन ज्यादा ही आएगा क्योंकि ये पाँच गुना ज्यादा है ओके सो so, आप सॉल्व करते हैं तो पहले तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज के थ्रू आप यहाँ पे सॉल्व करो टू एक्स प्लस टू इंटू ट्वेंटी वन विच इज फोर्टी टू एंड देन फाइव एक्स प्लस ट्वेंटी वन सो फाइव एक्स ये इस साइड जब जाएगा एंड देन ये इस साइड जब जाएगा क्या होगा फाइव एक्स को रहने दो टू एक्स को उस साइड भेजो तो फाइव एक्स माइनस टू एक्स हो जाएगा एंड देन फोर्टी टू तो एक साइड में है ट्वेंटी वन को भेजो तो हो जाएगा माइनस ट्वेंटी वन मतलब कि देखो ये हो हो, हो रहा था ऐसे कि फोर्टी टू माइनस ट्वेंटी वन इज इक्वल्स टू फाइव एक्स माइनस टू एक्स ओके सो इसको मैंने ऐसे लिखा ओके सो थ्री एक्स इज इक्वल्स टू ट्वेंटी वन एक्स इज इक्वल्स टू ट्वेंटी वन बाई थ्री विच इज सेवन सो एक्स का वैल्यू आ गया सेवन सो एक्स अगर सेवन होगा तो दूसरे नंबर कितना होगा फाइव एक्स जो कि है फाइव इंटू सेवन विच इज़ थर्टी फाइव ओके सो एक हो गया आपका सेवन एंड दूसरा हो गया आपका थर्टी फाइव ओके सो कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ ओके सो व्हाट इज द टू डिजिट नंबर ओके अब मानो कि एक दो डिजिट नंबर है मतलब कि ये दो डिजिट नंबर में एक नंबर वन प्लेस में है और एक नंबर टेंस प्लेस में है ओके ओके सो अब देखो अब वन प्लेस में जो नंबर है लेट कर लेते हैं उसको लेट वन प्लस नंबर बी एक्स ओके सो जो दूसरा नंबर होगा सेकेंड नंबर सेकेंड नंबर आपका कितना होगा दोनों डिजिट का जो नंबर है उसमें से स, वो दो डिजिट को सम करके नाइन आ रहा है ओके सो so दूसरा नंबर तो हम लोग नाइन माइनस एक्स लिख सकते हैं ना अगर एक एक्स हुआ तो दूसरा नाइन माइनस एक्स होगा ओके सो so अब देखो ये जो फर्स्ट नंबर है एक्स मतलब कि जो वन्स प्लस में है ये तो एक्स ही रहेगा लेकिन ये सेकेंड नंबर जो कि टेंस में है ये प्लेस में है ओके सो ये नंबर आप कितना लिखोगे टेन इंटू नाइन माइनस एक्स आया समझ में इतना तक अब देखो वेन वी इंटरचेंज द डिजिट अगर हम लोग डिजिट को इंटरचेंज करते हैं मतलब कि एक्स आ गया आपका टें प्लेस में और नाइन माइनस एक्स जो है वो आपका आ गया वंस प्लेस में ओके अब देखो अगर हम लोग इंटरचेंज करते हैं तो जो नंबर आ रहा है इज ग्रेटर देन ओरिजिनल नंबर बाय ट्वेंटी सेवन तो पहले तो पहला नंबर कितना था पहला नंबर था आपका एक्स प्लस टेन इंटू नाइन माइनस एक्स ये नंबर था इसको ऐड कर लो कितना हो रहा है एक्स प्लस नाइन टीजा टेन जन नाइन्टी माइनस टेन एक्स सो ए नाइन्टी माइनस नाइन एक्स ये दूसरे नंबर को भी ऐड कर लो अच्छा ये एक्स टेन्स प्लेस में है तो ये कितना होगा टेन एक्स होगा और नाइन माइनस एक्स वन प्लेस में है तो ये नाइन माइनस एक्स ही रहेगा तो ये आपका हो गया टेन एक्स प्लस नाइन माइनस सिक्स जो नंबर फॉर्म हुआ तो ये आपका हो गया नाइन एक्स प्लस नाइन ओके अब देखो अब क्या देखा जा रहा है कि जो न्यू नंबर फॉर्म हुआ इज ग्रेटर देन ओरिजिनल नंबर मतलब जो पहले नंबर था नाइनटी माइनस नाइन एक्स से नाइन एक्स प्लस नाइन ये ज्यादा है आपका ओके सो so, देखो जो सेकेंड नंबर फॉर्म हुआ मतलब कि नाइन एक्स प्लस नाइन ये क्या है ये पहले वाले नंबर से मतलब कि नाइन्टी माइनस नाइन एक्स से ज़्यादा है ट्वेंटी सेवन ओके सो अब देखो नाइन एक्स प्लस नाइन इज इक्वल्स टू नाइन्टी माइनस नाइन एक्स प्लस ट्वेंटी सेवन ओके सो अब ये जो वेरिएबल्स है इसको एक साइड में ले लो नाइन एक्स देन माइनस नाइन एक्स जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो प्लस नाइन एक्स हो जाएगा सो नाइनटी प्लस ट्वेंटी सेवन माइनस नाइन सो ये होगा हो गया आपका एटीन एक्स इज इक्वल्स टू ये आप अगर ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा नाइन्टी एंड देन ट्वेंटी सेवेन सो सेवेन वन वन सेवन देन नाइन अगर आप माइनस करते हो तो ये आपका हो जाएगा एट जीरो वन जीरो एट तो एक्स कितना होगा वन जीरो एट बाय एटीन ओके सो एटीन सिक्स होता है वन जीरो एट मतलब एक्स का जो वैल्यू है वो आ गया आपका सिक्स तो आपका जो टू डिजिट नंबर है वो कितना होगा तो ये आपका आपको याद है नाइनटी माइनस नाइन एक्स था था ना ओके सो सो देखो नंबर so, कितना था नाइनटी माइनस नाइन एक्स जो कि है ये ये ओके सो so, ये हो जाएगा नाइनटी माइनस नाइन इंटू सिक्स एक्स का वैल्यू सो नाइनटी माइनस सिक्स नाइन फिफ्टी फोर जो कि आपका होता है सिक्स सिक्स. सिक्स एंड थ्री, थर्टी थर्टी ओके, ओके. सो हो गया आपका वो नंबर. Okay. आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में सो so, देखो वन ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज थ्री टाइम्स दिजिट अब अगर आप पूरा मैथ्स पहले पढ़ लोगे तो कन्फ्यूज हो सकते हो तो पहले आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाओ ओके सो वन ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर पहले तो ये देख लो कि दो डिजिट का नंबर है मतलब कि एक वंस प्लेस में है और एक टेंस प्लेस में है ओके okay? इतना तो आया समझ में तो ये दो डिजिट का जो नंबर है इसमें एज वन ऑफ द नंबर मतलब एक नंबर जो है वो थ्री टाइम्स ज्यादा है दूसरे नंबर से तो आप मान लो वन प्लेस नंबर इसको लेट कर लो एज्यूम कर लो इसको एज्यूम कर लो आप एक्स ओके सो जो टेंस प्लेस नंबर है वो कितना हो जाएगा आपका थ्री एक्स क्योंकि एक नंबर दूसरे नंबर से थ्राइस ज़्यादा है मतलब तीन गुना ज़्यादा है ओके सो so अब देखो जो वन प्लेस नंबर वन प्लेस जो नंबर है वो तो एक्स ही रहेगा ना लेकिन जो टेंस प्लेस नंबर है वो टेन इंटू थ्री एक्स हो जाएगा जो कि होता है थर्टी एक्स आया समझ में इतना अब ये नंबर अगर आप टोटल करते हो तो कितना हो जाएगा एक्स नंबर क्या होगा x प्लस थर्टी एक्स विच इज थर्टी वन एक्स अब देखो इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ दिस टू डिजिट नंबर अगर आप इंटरचेंज करते हो मतलब देखो ये दो डिजिट नंबर सपोज ये x ये थ्री एक्स क्योंकि ये टेंथ प्लेस में था अब इसको आप इंटरचेंज करते हो मतलब यहाँ पे थ्री एक्स हो जाएगा और यहाँ पे एक्स ओके okay? सो so, ये जो x है ये सिर्फ x नहीं रहेगा क्योंकि ये टें प्लेस में आ गया तो ये आपका हो जाएगा टेन एक्स और ये थ्री एक्स ही रहेगा क्योंकि वन से मल्टीप्लाई होगा वन प्लेस में है तो ये इंटरचेंज कर रहा है तो इंटरचेंज करने के बाद एक नंबर हो जाएगा टेन एक्स और एक दूसरा नंबर हो जाएगा थ्री एक्स ओके सो इफ यू इंटरचेंज द डिजिट ऑफ दिस टू डिजिट नंबर एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर सो पहले तो ये कितना होता है नंबर न्यू नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग आप लिख सकते हो कि न्यू नंबर कितना हो गया टेन एक्स प्लस थ्री एक्स विच इज़ थर्टीन एक्स ओके सो एक हो गया आपका थर्टी वन एक्स एक हो गया आपका थर्टीन एक्स अब बोला गया है कि ये दो नंबर को आप अगर ऐड करते हो तो रिजल्टिंग जो नंबर निकला निकलेगा वो है आपका एट्टी एट ओके add the resulting number to the original number you get 88. So 31x plus 13x. So 31x plus 13x is equals to 88. So 44 4. 44x 88 and then x is equals to 88 by 44 which is 2. आप अगर सिंप्लीफाई करोगे तो टू आएगा अब देखो ओरिजिनल व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर ओरिजिनल नंबर क्या है क्या था ओरिजिनल नंबर थर्टी वन एक्स मतलब थर्टी वन इंटू एक्स का वैल्यू टू विच इज सिक्सटी टू ओके सो सिक्सटी टू हो गया आपका आंसर सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सोबोस मदर्स प्रेजेंट एज इज सिक्स टाइम्स सोबोस एज सोबोज एज फाइव इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी वन थर्ड ऑफ हीज मदर्स प्रेजेंट एज सो व्हाट आर देयर एज कन्फ्यूज मत होना पहले तो प्रेजेंट एज आप एज्यूम कर लो सो सोबोस की जो मदर्स की एज है वो बोला गया है सिक्स टाइम्स प्रेजेंट एज तो आप सोबोज को एज को अगर एज्यूम कर लेते हो तो सोबोज मादर की एज आपको पता चल जाएगा सो लेट लेट सोबोस प्रेजेंट एज सिर्फ एज मत लिखना प्रेजेंट एज लिखना ओके सो so, ये आपका हो गया एक्स अब सोबोज मादर्स की एज कितना होगा सोबोज मदर्स प्रेजेंट एज कितना होगा सिक्स टाइम्स सोबोज प्रेजेंट एज तो सिक्स टाइम्स मतलब सिक्स इन टू एक्स विच इज सिक्स एक्स हुआ अब सोबोज एज फाइव ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब की पांच साल बाद सो आफ्टर फाइव ईयर्स आफ्टर फाइव ईयर्स ओके आफ्टर फाइव ईयर्स फ्रॉम नाउ बोला गया है, मतलब कि पाँच साल बाद विल बी ना जो बाद का जो स्टेटमेंट है उसमें तो बाद में आएंगे पहले जो ये स्टेटमेंट स्टेप बाय स्टेप आप करते जाओ ओके सो सोबोज एज फाइव इयर्स फ्रॉम नाउ सो फाइव इयर्स मतलब पाँच साल के बाद सोबोज का एज कितना होता है ये देख लेते हैं फाइव इयर्स आफ्टर सोबोज एज विल बी एक्स प्लस फाइव क्योंकि अभी तो एक्स है तो पाँच साल बाद एक्स प्लस फाइव होगा ओके okay? अब क्या बोला गया है कि सोबोज एज फाइव ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी वन थर्ड ऑफ हिज मदर्स एज सो उसका जो एज है मतलब कि एक्स प्लस फाइव इज इक्वल्स टू कितना होगा वन थर्ड होगा किसका वन थर्ड होगा ऑफ हिज मदर्स एज तो उसके मदर्स का जो एज है उसका वन थर्ड होगा सो so, प्रेजेंटेज कितना है सोबुज मादर की सिक्स एक्स तो उसका वन थर्ड हो गया ये हो गया आपका मतलब इक्वेशन uh, फॉर्म अब देखो इसको सॉल्व करते हैं वेरी इजी एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस फाइव इज इक्वल्स टू थ्री टू जिक्स सो आपका हो गया टू एक्स सो टू एक्स माइनस एक्स फाइव को इस साइड ही रखते हैं एक्स को लेके जाते हैं तो टू एक्स माइनस एक्स हो जाएगा इज इक्वल्स टू फाइव एक्स इज इक्वल्स टू फाइव सो एक्स अगर फाइव होगा एक्स अगर फाइव 5 होगा फाइव 5 फाइव कि, 5 किसका एज है प्रेजेंट एज सो वो उसका, सो so, उसके जो मदर्स है उनके एज कितना था सिक्स एक्स सो so, ये हो जाएगा सिक्स इंटू फाइव विच इज थर्टी ये हो गया सोबोज की मदर की एज ओके ओके सो वी आर डन फॉर द डे जो कि आपने देखा कि फाइव मैथ्स मैंने करवा दिया टेन मैथ्स है इस एक्सरसाइज पोर्शन में uh, थोड़ा फाइव फाइव करके इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि आपको समझने में आसानी ओके सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस फाइव मैथ्स या फिर दिस सेक्शन तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो ओके okay? एंड हमारा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है तो आप जाके ज्वाइन कर लो एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग विद विद्यान पाठशाला